पंजाबी गाना हो और लैम्बोर्गिनी ना हो तो अधूरा रह जाता है। पहला सॉन्ग है आपका लैम्बोर्गिनी, देखी हमने, किसी को बोल रहे कॉल उठाओ किस करो, गाना काफ़ी लाइक मैं देख रहा था गाना काफ़ी बहुत हिट है, काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े। बट मैं लैम्बोर्गिनी से शुरुआत करता हूँ, लैम्बोर्गिनी कितनी अच्छी लगती है आपको? मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। गाड़ियाँ तो हम पंजाबी सॉन्ग में गाड़ियाँ ना हो तो हिट होना मुश्किल हो जाता है। आप कितना बिलीव करते हो इस चीज़ पर? नहीं, ये नहीं कि गाड़ियाँ ना हो तो हिट होना मुश्किल हो जाता है, बंदे में टैलेंट चाहिए, हिट तो वो घर बैठे ही ऐसे कुछ डाल दे तो हिट हो जाता है। और पहला गाना है बीइंग अ यंगर ब्रदर, हमारी बहनें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, पहला जॉब हो जाए, पहली गर्लफ्रेंड हो जाए या फिर पहली नौकरी हो जाए, पर पहला गाना है काफ़ी ज़्यादा, क्या क्या रिस्पॉन्स था सिस्टर से? उसने पसंद किया, उसी ने मेरे को कहा कि ये गाना कर, और बहुत एक्साइटेड थी वो, मैं तो एक्साइटेड था ही, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। सबसे पहले क्या बोला वो, did she told you anything like ये नहीं करना चाहिए ये काफी? या पहले ये मैंने गाना बनाया था, दो तीन बार बनाया, she said कि हम अच्छा करेंगे, म्यूजिक अच्छा चेंज हो सकता है, तो म्यूजिक चेंज कर दोबारा से कर फिर एक फाइनलाइज किया उसने कि हाँ ये करेंगे। मैंने गाने में पूरी दफा देखा लाइक स्वैग तो कुट कुट के था जो पंजाबी गाने में रहता ही है, स्वैग तो हमारे लाइक पंजाबी के वो बोलते ना, स्वैग ना हो तो गाना हिट ना। सही बात है। तो आप शुरुआत जब आपको पता चला था तो किस तरह से आपने प्लान किया था गाने को लेके, क्या करने का प्लान था? पहला गाना है तो हमको लाइक स्पेशल करना ही रहता है। देखो पर मैं स्पेशल नहीं करता कुछ, मेरे दिमाग में जो आता है ना कि अब पैसा है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर दो, मैं सोचता नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ। गाने में एक लाइन है कॉल तो उठा, कभी आपने कोई लड़की को बोला है कॉल तो उठा भाई मुझे बात करनी है? हम नॉर्मली जब लड़के लोग को कॉल नहीं उठाते हम बोलते हैं, और ये लाइन भी है, तो आपने कभी लाइक अपने? ऑफ कोर्स मैं अपनी मेरा ब्रेकअप हो गया अब, तो मैं उसको बोलता था कॉल तो उठा, वो ब्लॉक कर देती थी। क्या वो लाइन इसमें लाइक ऐड? वही लाइन ऐड की है, वही लाइन वो। तो अगर उन्होंने ये गाना देखा तो उनका कुछ रिप्लाई आएगा क्या पता, लाइनें ऐड कर दी। देखो क्या, वो किसी और के साथ खुश है, हम अपने अपना है, तो बोदर नहीं करना। शुरुआत अगर मैं गाने की शुरुआत से मैं देखूं, इससे पहले हमने आपको बिग बॉस में काफी अच्छा देखा था, आप आए थे शहनाज गिल को सपोर्ट करने, उसमें भी काफी आप लाइक फनी मूड में थे, काफी ज्यादा सलमान भाई ने भी चेयरअप किया था, सैफ भाई ने भी चेयरअप किया था, हमने देखा है लाइक वी ऑल फॉलो सैफ भाई, जितने भी यंगस्टर्स हैं सिर्फ भाई को फॉलो करते हैं और फॉलो करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे आज अगर वो रहते हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह से रिस्पॉन्स करते आपके ये गाने में? यार मेरा पहले भी एक गाना आया था तो सिद्धार्थ भाई ने मेरा शेयर किया था, कुछ भी हो मेरा शेयर करते करते हैं, और जब कहते हैं ना कि कोई अपने घर से उठता है तो अपनों को खुशी होती है, तो उनको भी होती है। कितनी खुशी होती है लाइक हम जब गाने की बात करूँ, आपने उस तरह से जब मैं बिग बॉस देख रहा था तो हमने जब आसिम रियाज के भाई उमर रियाज को देखा, काफ़ी सारी चर्चा थी कि हमको शहनाज गिल के भाई को भी देखना है बिग बॉस में, क्योंकि वो जो एक ट्रेंड था कि भाई आ रहे तो उनके भी भाई आने चाहिए, आपको क्या लगता है ये ट्रेंड फॉलो होना चाहिए बिग बॉस में? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ कि बिग बॉस में जिसका भाई आ रहा है वो आना चाहिए, जिसमें टैलेंट हो वो आना चाहिए, जो लोगों को पसंद है देखने का वो आना चाहिए, ये नहीं कि एक बार कोई आ गया तो उसको ही लेकर आना है, ऐसे कोई बात नहीं है। और बिग बॉस की सबसे अच्छी बात है आपको क्या लगती है कि क्या होता है लाइक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाता है, आसिम की मैं बात करूँ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, हमने देखा था उनको एड में, बट आज आसिम के पास इतने सारे गाने हैं, बैक टू बैक सॉन्ग आते हैं, इज वेरी पॉपुलर। शहनाज जी की भी बात करो, पंजाब में काफ़ी उनके काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग्स थे, बट हिंदी सिनेमा की बात करो, जब हिंदी ऑडियंस है उन्होंने बिग बॉस के बाद उनको जाना था, तो आप किस तरह देखते हो कि एज अ पर्सन किस तरह से लाइफ चेंज होती है आफ्टर बिग बॉस? आफ्टर बिग बॉस अगर आप कुछ अच्छा नहीं करोगे ना तो आपको वहाँ से हेट मिलेगी, मतलब एक ज़िंदगी में जो आदमी है वो ही वहाँ पे दिखे, अगर वो अच्छा होगा तो अच्छी लाइफ बन जाएगी, अगर गंदा होगा तो गंदी लाइफ बन जाएगी। आप अगर जाओगे तो आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं तो हूँ ही कॉमेडी पागल
आप कितना हंसाओगे? लाइक मेरे को लग रहा है मैं कुछ ऐसा नहीं कि स्पेशल कुछ हंसाता हूँ, मेरी वैसे ही भगवान ने दिया हुआ है, अपने आप बन जाता है सब कुछ। और इसके अलावा मैं अगर मैं चर्चा करूँ, लाइक अब एक साल पूरे हो चुके हैं, कितना मिस कर पाते हो? हाँ ऑफ कोर्स यार, इसमें कोई बात ही नहीं है, मिस करने की कोई बात नहीं है, जो दिल में होता है उसे मिस नहीं करना पड़ता। अपने टैटू के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर एक बार टैटू दिखा। नहीं नहीं ये नहीं, हाँ फुल स्लीव्स पहना है और ये अपनी थोड़ी सी मेरी अपने के लिए बनाया मैंने। और इसके अलावा आने वाले समय में किस तरह के लाइक किस तरह के प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे? कोई ऐसा प्लान है आपके दिमाग में कि इस कि गाने म्यूजिक एल्बम्स तो है, इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, ऐसी चीजें हैं, बट आपका लाइक आपका मेन फोकस क्या रहेगा? मेरा मेन फोकस, मैं बिग बॉस भी करना चाहता हूँ और मैं लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ कि दे कैन लव मी। यस। और अगर शहनाज जी के साथ अगर कोई आपको ड्यूएट करना रहे तो कौन सा गाना है, कोई ऐसा पुराना गाना जो आप लाइक पसंद कर रहे हो? हम रीमेक का जमाना है आज तो। मैं तो मेरी बहन ही करूंगा। हाँ। जो मैंने गाया था शनाफ पे फिर से वही गाना। हाँ ओके, जाते जाते अगर आपके ये गाने की दो तीन लाइन सुना दीजिए। किसकी? ये सॉन्ग की। तेरे लिए गाना मैं गाऊं रात भर, बेबी फोन उठा और बात कर, ऐसे ना बेबी लड़ते हैं, हम प्यार तुम इसे करते हैं, एक तू जिंदगी में किसी और पे थोड़ी मरते हैं, तू दूर है मुझसे मुझे मिस तो कर, बेबी फोन उठा एक किस तो कर। थैंक यू सो मच। वेलकम।